तो आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो आज मैं इसका व्लॉग बनाने वाली हूँ एंड आई होप यू एंजॉय इट। ऐसे मेरा भाई भी है यहाँ पे, वो जा नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई ही नॉट गोइंग। चल, ये नहीं आ रहा। मम्मी रेडी हो चुकी हैं, डैडी भी रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं। फाइनली बहुत टाइम समझाने के बाद ये तैयार हो चुका है जाने के लिए एंड थोड़ा गुस्से में है। आप देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा मौसम है, मतलब धूप भी नहीं निकल रही, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है एंड बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। सी, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हम लोग अच्छे से घूम के आ पाएंगे। ये ना नए क्वार्टर्स हैं जिनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, फिटिंग वगैरह हुई बाकी है। कैंप का भी व्लॉग बनाऊंगी। खैर आज तो सिर्फ बिल्डिंग से दिखा देते हैं। या गाइस, यहाँ पे मुझे ये घास बहुत अच्छी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन जो घास है यहाँ पे, आप लोग सुबह सुबह बहुत अच्छे से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत अच्छी वॉक हो जाएगी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के ग्राउंड। सो ये हमारे कैंप का एक्चुअली ग्राउंड है, मैं यहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। सी, लेजी लेजी लोग। सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक है एंड इतना ज़्यादा शोर है कि आप यहाँ पे कुछ भी बोलोगे सुनाई नहीं देगा प्रॉपरली, इतना ज़्यादा मेन शोर होता है। सो हम आ गए हैं अभी संगम विहार की मार्केट में एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जनता है। सो यहाँ पे हमारे को स्टार्टिंग पे ही मिल जाती है फ्रूट्स मार्केट, एक्चुअली ऑटो मार्केट ज़्यादा लग रही है, इतने ज़्यादा ऑटो खड़े हैं, मैं अच्छे से फुटेज नहीं ले पा रही हूँ, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, आपको यहाँ पे कई वैरायटी के और सही रेट्स में फ्रूट्स मिल जाते हैं। मैं कौन सी मार्केट में आई हूँ? संगम विहार। फिर से? संगम विहार है दिल्ली का। सड़कें देखो, सड़कें अच्छी की चढ़ की चढ़ सफाई। तो आप तो देख ही सकते हैं यहाँ की सफाई, तो मेरी मम्मी अल्टीमेट रोस्टर है, मीन्स हर जगह को रोस्ट कर देती हैं और वो इवन किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से रोस्ट कर सकती हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कितना अच्छा कीचड़, पानी और पानी से भरा रास्ता हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली थोड़ी बारिश हुई थी दिल्ली में, 3 दिन तक हुई थी एंड उसके बाद का ये रिजल्ट है, मतलब 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है पर फिर भी आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, इतना ज़्यादा कीचड़ है। इवन आप देख सकते हो कि इधर पूरे में पानी भरा हुआ है, अभी भी इसे सूखने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ के रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे को सूखा रोड मिल चुका है, हम लोग काफ़ी आगे तक चल के आ गए हैं और यहाँ पे जो है अच्छे से रोड बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ नहीं है एंड आगे तक भी ये रोड बन जाएगा, तो अगली बारिश का जब सीज़न आएगा तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी बारिश की वजह से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह की दुकान आपको मिलेगी, यहाँ पर किराना शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें हैं एंड बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, बाकी तो यहाँ पे हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग गली नंबर हैं एंड ये ना बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पे हमने मीन्स जब भी हमें बाहर स्ट्रीट फूड खाना होता है तो हमारे कैंप के पास ये वाली स्ट्रीट फूड शॉप पड़ती है। तो आई हो यहाँ पे घूमने, क्या काम था आपका? तो यहाँ पे हम डिश टीवी के बारे में कुछ पता करने गए थे। एक्चुअली हमारा जो डिश का जो एंटीना था वो बाहर किसी ने चोरी कर लिया था, तो हम वो दोबारा उसके बारे में पूछने गए थे नया लेने के लिए
एंड हमें यहाँ पे गणेश जी का वो भी मिल गया मंदिर, क्योंकि आजकल गणेश उत्सव चल रहा है तो गणेश जी घर घर में हैं, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। लाखों में एक है तू सबसे निराला, फेस तेरा क्यूट सा है, लुक भोला भाला, बाप्पा ऐसे आना कभी वापस ना जाना, आओ सारे मिलके गाए बाप्पा वाला गाना। उसके बाद हम मिले एक छोटे से स्टार से। इनका घर ओपन था रोड साइड पे, और ये बहुत अच्छे से स्माइल करा था देखकर, तो हम लोगों ने इसको वीडियो इसकी वीडियो शूट कर ली। के बाद हम लोगों ने लिया एक मोर पंख। मोर पंख मेरा फेवरेट है, एंड क्योंकि कृष्ण जी का फेवरेट है, सो उसको हम लोग मंदिर में लगाएंगे। थोड़ी में पूजा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजाई की दुकान है, यहाँ पे आपको रुई वगैरह सब कुछ मिल सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं और मेडिकल स्टोर्स भी हैं बहुत सारे, और चिकन वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, नॉन वेज वेज हर तरीके का चीज़। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है आइटम वो है आइसक्रीम। आई लव आइसक्रीम, आई एम अ आइसक्रीम फैन। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ज़्यादा डाला है, दूध कम। अब तुझे जिम जाना होगा, ये जिम वाले लोग लेते हैं। जिम वाले लोग कौन? अंकल बताए हैं, अंकल बताए कितने बनाए लिखा तो है यार। क्या ए, ए, खाली कर कैमरे में। अब बता इसकी पूरी चीज है। इससे बुरी चीज मैंने आज करनी थी। इसे बहुत गंदा लगा बिकॉज वो जिम वालों के लिए था, वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट था। वैसे हम यहाँ पे जलेबी खाने वाले थे, बट हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि जलेबी वाले अंकल नहीं आए, बट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छा खाना मिलता है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। तो आप समोसा क्यों खाने वाले हो? जल्दी बहुत जल्दी गर्म है, थोड़ा सा खाना है। तो वैसे समोसे पसंद नहीं है, पर समोसे खाए जा रहे क्योंकि इसको मुंह का स्वाद ठीक करना है। इसका मुंह का स्वाद खराब हो गया। क्या पिया था भाई तूने? क्या पी लिया था भाई? अच्छा खाके देखो, मैं कितना सही खाना है। समोसे के साथ जाती बुरा नहीं, सब लोग खा रहे हैं। बुरा नहीं है दादा, अच्छा है। मूंगफली वाला है? नहीं मूंगफली राजमा। अच्छा है, ठीक है। ये वाला लो, कौन है मैं खाता हूँ। इस दुकान पे सब कुछ खाने का बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप संगम बिहार आए तो यहाँ पे जरूर आए बिकॉज इट्स वेरी गुड। शाम तक बनती है आपकी जलेबियाँ? सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आज की हमारी शॉपिंग हो गई, तो यही है संगम बिहार की मार्केट। एक्चुअली सही है, आपको काफी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आओ तो आप विजिट कर सकते हो।